नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कन्या राशि के जून 2022 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान यानी आराध्य भगवान का नाम आप अवश्य लिखें। खुश जीवन राशिफल की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और देखते रहें डेली राशिफल, डेली पंचांग, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल, ईष्ट भगवान से संबंधित सभी जानकारियां और अंक ज्योतिष की सभी वीडियोस। आइए कन्या राशि के जून माह के राशिफल की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और किन किन भाव के स्वामी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इफेक्ट उन भाव से संबंधित अधिक देखने को मिल सकता है। देखिए सूर्य देव की बात करते हैं, जो कि सूर्य, मंगल और शुक्र, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो इस माह में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य की बात करें, सूर्यदेव यहाँ द्वादश भाव के स्वामी हैं। अब द्वादश भाव के स्वामी का माह के शुरुआत में नवम भाव से गोचर हो रहा है। नवम भाव से द्वादश के स्वामी का गोचर कहीं ना कहीं लंबी यात्राओं को दर्शाता है, कहीं ना कहीं थकावट को दर्शाता है सूर्यदेव यहाँ पर, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए कारक ग्रह नहीं माने गए। कन्या राशि वालों के लिए बुध, शनि और शुक्र कारक ग्रह, कारक प्लेनेट माने गए। अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य यहाँ पर जो है नवम भाव से निकलकर माह के मध्य में दशम भाव के अंदर मिथुन राशि में अपना राशि जो है वो गोचर करना शुरू करेंगे। तो दशम भाव के अंदर मिथुन राशि आती है, द्वादशेश का दशम से संबंध कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कराता है। दशमेश का द्वादश में बैठना या फिर द्वादशेश का दशम भाव में कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में जो है परेशानी भी देखने को मिलती है। यहाँ पर सूर्यदेव नवम और दशम में बैठकर कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी दिखा सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर शुक्र की, तो शुक्रदेव यहाँ पर नवम भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ धन भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर हो जाता है। माह की शुरुआत में शुक्रदेव यानी नवमेश जो है वो अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, धनेश भी अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो माह के शुरुआत में धन को लेकर समस्या बनी रह सकती है। अगर हम भाग्य को लेकर बात करें तो यहाँ भाग्य को लेकर भी समस्या बनी रह सकती है, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव के अंदर शुक्र के साथ राहु गोचर कर रहे हैं, जो कि अचानक आपके भाग्य को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। शुक्रदेव 18 जून को अपना राशि परिवर्तन कर नवम भाव में स्वय राशि के अंदर अपनी वृष राशि के अंदर गोचर करेंगे, तो यह गोचर आपके भाग्य को परिवर्तित करने वाला होगा, भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा, धन लाभ कराने वाला होगा, क्योंकि तो शुक्रदेव यहाँ पर बुध के साथ गोचर करेंगे जो कि आपकी राशि स्वामी हैं। और राशि स्वामी का नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी के साथ में गोचर शुभ गोचर है, अच्छा गोचर माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं दशम भाव के स्वामी की। तो देखिए दशम भाव के और राशि स्वामी दोनों ही बनते हैं बुधदेव। बुधदेव नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि और साथ के साथ में आपके द्वादश भाव के स्वामी के साथ में गोचर कर रहे हैं। तो माह के शुरुआत से ही कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी हलचल देखने को आपको मिल सकती है। बुधदेव दशमेश का नवम भाव से गोचर या दशमेश का दशम से या एकादश भाव से गोचर वृद्धि कारक माना गया है, अच्छा माना गया है, लेकिन यहाँ सूर्य के साथ में है तो कहीं ना कहीं हलचल आपको आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। बात करते हैं बिजनेस को लेकर, तो सप्तम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति की राशि आती है मीन राशि, और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अब गुरु का मीन राशि से गोचर आपके बिजनेस को लेकर, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर वृद्धि करने वाला है। मंगल भी यहाँ गोचर कर रहे हैं, जो कि तीसरे भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। बहुत बड़ा निवेश नहीं करना मंगल के यहाँ पर रहते हुए, मंगल जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तब आप एक अच्छा निवेश या बड़ा निवेश कर सकते हैं। मंगल देव माह के अंत में लगभग 27 जून के को अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि से मेष राशि में स्वय राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। मंगल यहाँ अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर उनकी राशि स्वय राशि यानी मेष राशि पड़ती है। यहाँ पर मंगल देव राहु के साथ में गोचर करेंगे, तो अचानक होने वाली घटनाएं भी यहाँ पर हो सकती हैं आपको लेकर, क्योंकि यहाँ
अष्टम भाव आपकी आयु का भाव है, साथ के साथ तृतीय भाव भी आयु का भाव माना गया है। तो यहाँ अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक कन्या राशि वाले व्हीकल चलाएं। बात करते हैं हम लाभ भाव की, तो शनिदेव की अगर हम बात करें तो पंचम और छठे दोनों भाव के स्वामी हैं। शनि का छठे भाव से ही गोचर, जो भी जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नई जॉब के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके लिए छठा भाव यहाँ पर स्ट्रांग है, अच्छा भाव माना गया है। लाभ की बात करें तो यहाँ लाभ भाव के स्वामी यानी आपके जन्म के चंद्रमा पर से देवगुरु बृहस्पति जो है वो दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो लाभ को लेकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर हम धन की बात करें तो जो माह के मध्य के बाद यानी 18 जून के बाद में धन को लेकर जो समस्याएं आपकी माह की शुरुआत से चल रही हैं वो खत्म होने का चांस ले सकते हैं। मंगलदेव अष्टम भाव में मेहनत अत्यधिक करनी पड़ेगी अपने कार्यक्षेत्र को लेकर, अपने जीवन में किसी भी जुड़ी हुई समस्या को लेकर। अगर हम यहाँ पर चतुर्थ भाव की बात करें, पारिवारिक स्थिति की बात करें, तो पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ यानी चतुर्थ भाव के स्वामी अपनी ही राशि मीन राशि में अपने चतुर्थ से चतुर्थ यानी सुख भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी हलचल देखने को मिलेगी, बिजनेस अच्छा चलने वाला है, धन की जो कमी है आगे शुरुआत से आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 18 जून के बाद में धन लाभ के संकेत भी दिखाई देते हैं। जो भी जनतक नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर शुभ समय है। धन्यवाद।